हेलो अरे मैसेन मुकुल तो आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला है किस प्रकार से मैंने मेरा फर्स्ट हंड्रेड डॉलर का क्लाइंट को एक्वायर किया या फिर पिच किया कैसे मैंने उनको अप्रोच किया कैसे मेरे को वो रेस्पॉन्स मिले कितने लोगों को मैंने अप्रोच किया कितने कन्वर्जन मेरे को मिले तो अगर आप भी क्लाइंट्स को ढूंढने में बहुत मुश्किलें फेस कर रहे हो जो यार हर एक फ्री लांसर जो बिगिनिंग जर्नी होती है उसके अंदर बहुत हार्डशिप्स आती है कि हमको क्लाइंट्स नहीं मिलते तो मैं आज क्लाइंट्स सर्च करने के बजाय जो पहला हंड्रेड डॉलर का क्लाइंट है मतलब एक अच्छे खासे अमाउंट का जो क्लाइंट है वो आपको कैसे मिल सकता है उसके बारे में बात करने वाला हूं तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं मेरी कंप्लीट स्टोरी शेयर करने वाला हूं जिससे मेरे को हंड्रेड डॉलर का क्लाइंट मिल पाया पहला जो हंड्रेड डॉलर का क्लाइंट होता है मतलब अराउंड देख लो आप डॉलर के हिसाब सेवन थाउजेंड रुपीज का जो क्लाइंट है तो मतलब पहले मेरा जो एकदम फर्स्ट क्लाइंट था वो तो ढाई सौ तीन सौ रुपए का एक पोस्टर डिजाइनिंग थी उतना ही था पर धीरे धीरे लेवल अप होता गया तो ये सौ डॉलर का क्लाइंट मेरे को कैसे मिला और उसके लिए मैंने कितनी मेहनत की थी और किस प्रकार से अप्रोच किया जाता है कैसे कॉन्वर्सेशन करना है कौन से प्लेटफॉर्म्स का यूज करना है ये सारी चीजें आपको इसके अंदर अच्छी से सीखने को मिलेगी तो अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कर लो फॉर कॉन्टेंट रिलेटेड टू स्टार्टअप फ्री एंड स्किल्स तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ मेरे पास में कौन सी स्किल्स थी और मैंने किस प्रकार से उस स्किल का यूज़ करके क्लाइंट्स वगैरह को पिच किया और मैंने मतलब मेरा जो पोर्टफोलियो अच्छे से बिल्ड किया और मैं फ्रीलांसिंग के अंदर एक ठीक ठाक क्लाइंट बेस बना पाया तो उसके अंदर देखो सबसे पहली चीज़ थी मेरे पास में ग्राफिक डिजाइनिंग वाली स्किल उसके अंदर मैंने मतलब नाइन्थ टेंथ से थोड़ा बहुत सीखना स्टार्ट कर दिया था फोटोशॉप अच्छे से मेरे को आ गई थी टेंथ तक आते आते तो मेरे पास में अभी जब मैं कॉलेज में एंट्री मैंने ली तो मेरे पास फोटोशॉप के ऊपर काफ़ी अच्छा एक्सपर्टीज़ था और स्पेशली थमनेल डिजाइनिंग के अंदर और सोशल मीडिया पोस्टर्स बनाने के अंदर तो उसके अंदर मेरे को काफी हाथ साफ हो रखा था मतलब कम से कम मैंने चार सौ पांच सौ टैंपलेट्स डिजाइन कर चुका था तब तक जब मैंने फ्री लांसिंग स्टार्ट की थी तब तक मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट इतने डिजाइन कर चुके थे टैंपलेट्स मतलब अलग अलग क्लाइंट्स के लिए फ्री में काम करना या फिर कोई भी रैंडमली घर में कोई फंक्शन हो रहा है या फिर किसी का बर्थडे है किसी की वेडिंग एनिवर्सरी उनके लिए टैंप्लेट्स बना देना तो ऐसे करते करते इतनी प्रैक्टिस मैंने कर ली कि चार सौ पोस्टर्स मैंने डिजाइन कर दिए और उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी जिसके अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे मेरे को एट्थ क्लास के अंदर ये सीखने का मौका मिला और

के वे करते हैं, तो आपको कमाई बहुत ज्यादा अच्छे की होगी पर उसके लोग है कि जो आएगा ना वो रेटिंग देखेगा, रिव्यूज देखेगा और उसका जो पोर्टफोलियो वो देखेगा तो वो ऑब्वियसली जो पुराना जो फ्रीलांसर है उसकी रेटिंग ज्यादा अच्छी होगी उसने काम ज्यादा कर रखा होगा तो उसकी प्रोफाइल के अंदर चीजें दिखती है तो जो भी क्लाइंट होगा वो पुराने फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर पहले से उनको प्रेफर करेगा तो एज अ जब

पता है तो मैंने क्या किया मेरे पोर्टफोलियो की लिंक और उस बंदे के लिए मान लो कोई यूट्यूबर है जो दस में से कोई भी एक यूट्यूबर है उसका कवर फोटो मैंने डिजाइन कर दिया और उसकी उसके अंदर फोटो डाल दी और उसके हिसाब से थोड़ी थीम उसकी सेट कर दी मतलब अलग अलग दस है ना तो अलग अलग कलर्स डाल दिए उस थीम के अंदर तो काफी अच्छी कवर फोटो मैंने डिजाइन कर दी हाई क्वालिटी की और सबको ऑलमोस्ट सेम फॉर्मेट की वो कवर फोटो मैंने भेज दी अब सेम मतलब ये नहीं होगा कि एकदम सेम कलर्स भेज रहे हो आप मतलब आप डिजाइनर हो तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से सेम फॉर्मेट में बोल रहा हूं मतलब सेम लेयर्स का यूज करके थोड़ा आगे पीछे करके उसको एडजस्ट करके मैंने वो सारी डिजाइन उनको भेज दी तो मैंने दस यूट्यूबर्स को अप्रोच किया उनको 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 मेल किया भेजा 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 सेम ही मैसेज मैंने मैंने क्या, क्या, क्या आपके लिए कवर फोटो ये तो फ्री कवर फोटो फॉर योर यूट्यूब चैनल मैंने इस ईमेल का टाइटल ये डाला ठीक है और उसके अंदर मैं जो फ्री कवर फोटो मैं उनको देने वाला था उसकी इमेज को अटैच कर दिया और एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से कि मैं खुद भी यूट्यूबर हूँ और एक फ्री लांसर भी हूं और आपकी हेल्प कर सकता हूँ उस चीज के अंदर और ये फ्री कवर फोटो मेरी तरफ से आपके लिए अगर आपको इस फ्री कवर फोटो के अंदर कुछ चेंज

फोटो बहुत सही लगी और उसके अंदर तुम थोड़ा ऐसे चेंज कर दोगे तो बेटर रहेगा तो मैंने थोड़ा चेंज करके वापस उनको भेजा और उन्होंने वो कवर फोटो अपने चैनल पर लगा भी ली थी चैनल के ऊपर कवर फोटो उन्होंने लगा ली और उसके ही कुछ टाइम बाद में क्या हुआ कि दो चार दिन के बाद में वापस मेरी बातचीत हुई थी मैंने ऐसे पूछा कि आपके थम भी और इम्प्रूव हो सकते हैं तो उन्होंने बोला कि तेरी क्या प्राइसिंग रहेगी ऐसे वैसे तो एक डील फिर मैंने फाइनल की यार अगर आप महीने के अंदर थर्टी वीडियोज डाल रहे हो तो मतलब थर्टी वीडियोज़ के हिसाब से हंड्रेड डॉलर्स में चार्ज करूंगा मतलब थर्टी थम के हंड्रेड डॉलर्स में चार्ज करूंगा मैंने तो क्योटिंग थोड़ी वन फिफ्टी डॉलर से स्टार्ट की थी पर एंड में आते आते उन्होंने ऐसे के नेगोशेशन किया कि बल्क में तीस करने तेरे को तो देख ले तो फिर हंड्रेड डॉलर्स के अंदर वो चीज़ मैंने फाइनलाइज की थर्टी टेम्पलेट्स मतलब तो थर्टी थमनेल्स डिजाइन करने की तो एग्जिस्टिंग उनकी पंद्रह बीस वीडियोज थी उनके ऊपर थमनेल्स वापस डालने थे और आगे आने वाली दस वीडियो थी उनके लिए मतलब एज अ प्रोजेक्ट मैंने काम किया था एज अ मतलब उनका जो पर्सनल ग्राफिक डिजाइनर ऐसे काम नहीं किया था थर्टी वीडियोज़ की बात हुई थर्टी टेम्पलेट्स मैंने उनको डिजाइन करके दी और हंड्रेड डॉलरस के अंदर वो डील फाइनल हुई तो आपको समझ में आ रहा होगा मैंने किस प्रकार से क्या चीज मतलब कन्वर्जन कितना कम था दस में से मात्र एक जने का मेरे पास में रेस्पॉन्स आया था बाकी ने तो सीन भी नहीं किया होगा या सीन किया होगा तो इग्नोर कर दिया होगा तो इसके अंदर क्या होता है जनरली हम लोगों को भेजते हैं एक एक बंदे को भेजा दो बंदों को भेजा फिर सोचते हैं यार ठीक इसका रेस्पॉन्स तो आया नहीं ये चीज काम नहीं करी तो आप भेजते रहो आपके पास में स्किल है वीडियो एडिटिंग की है ग्राफिक डिजाइनिंग की है एस की है तो आप कुछ ना कुछ बंदे के लिए वैल्यू दो उसके चैनल के अंदर कुछ वैल्यू दो कि यार वो कोई भी काम कर रहा है उसकी कोई कंपनी या फिर कोई यूट्यूब चैनल है तो आप अपनी स्किल्स के थ्रू उसके बिजनेस के अंदर क्या फायदा पहुंचा सकते हो उसके ऊपर काम करो सीधी बात उसके ऊपर नहीं करनी चाहिए आप तो कवर तो तो दे दे। तो कुछ कुछ फोटो बना दो थमनेल बना दो उसका कोई एक यूट्यूब का इंट्रो डिजाइन करके उसको गोल ड्राइव की लिंक भेज दो तो अगर आप ये करोगे ना दस लोगों के लिए आपने ये चीज किया तो हंड्रेड परसेंट चांसेस है कि दस में से कोई ना कोई एक तो आपको रेस्पॉन्स करेगा ही करेगा फिर भी ना करें तो आप की स्किल्स के अंदर थोड़ी कमी आप स्किल्स और इंप्रूव करो और ऐसे दस लोगों को पिच करो क्योंकि ये मेरा पहला टाइम नहीं था जब मैंने दस लोगों को पिच किया था इससे पहले भी मैंने बहुत से क्लाइंट्स को अप्रोच कर रखा था लिंकड और इंस्टाग्राम के थ्रू तो जनरली धीरे धीरे मेरे जैसे जैसे स्किल्स और ज्यादा अच्छी होती गई तब जाके मेरे को एक रेस्पॉस मिला उसके अंदर तो आप पोर्टफोलियो अपना स्ट्रांग करो स्किल्स आपकी और स्ट्रांग होगी जैसे अगर आप मान लो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ दस यूट्यूबर्स के लिए आप उनका यूटूब इंट्रो डिजाइन कर रहे हो तो आपके जो पोर्टफोलियो के अंदर है दस यूट्यूब इंट्रो ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं अगर उनका रेस्पॉन्स आए चाहे नहीं आए अगर आप किसी क्लाइंट को बाद दिखाना तो में दिखाना चाहते हो रखे उसमें तो आपके साथ हो सकता है आपकी वो पांच सौ डॉलर की डील वहां पर फाइनल हो जाए तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल है मैंने खुद ने इन चीजों को अप्लाई किया हुआ इसीलिए मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करता हूँ और मैं बिना प्रैक्टिकल जो चीजें खुद नहीं करता वो कभी भी हवा के अंदर बातें होती नहीं है जो इसके अंदर परमानेंट सब्ब्राइबर चैनल का उनको पता है सारी चीज तो ये तरीका आपके लिए काम करेगा आपकी जो भी स्किल है उसके लिए आप फ्री में काम करो कोई क्लाइंट के लिए बड़े क्लाइंट को अप्रोच करो फ्री में कुछ ना कुछ वैल्यू दो उसको उसके बाद वो बताएगा यार मेरे को चीज़ अच्छी लग रही है फिर आप आगे नेगोशिएशन करके अपना मतलब रिलेशनशिप बिल्ड करके अपना काम करवा सकते हो उनसे या फिर जो भी आपकी डील है वो आप फाइनलाइज कर सकते हो उस लेवल के ऊपर जाके तो ये मेरी तरफ से यार मेरी जो जर्नी थी आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा और इसके अंदर एक चीज हमेशा ध्यान करना कि फ्री में काम करना कोई गलत बात नहीं है ये क्या कुछ यूट्यूबर्स ने ऐसे बना रखा है कि फ्री में काम मत करो नेव फॉर फ्री पर अगर आप बिगनर हो ना तो आप कितने भी बड़े प्लेटफॉर्म पर चले जाओ आपको वहाँ पर स्टार्टिंग में क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे तो फ्री में काम करने से आपका एटलीस्ट पोर्टफोलियो तो डेवलप होगा ना तो बिगनर के लिए मैं सारी बातें कर रहा हूँ अभी तक धीरे धीरे दिर अपन और एडवांस लेवल के ऊपर जाएंगे इन सारी चीजों के अंदर तो अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिली कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना अभी मैं एक स्टार्टअप के ऊपर भी काम कर रहा हूँ तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियो चैनल के ऊपर आपको दिखने वाली है तो प्लीज 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 एक प्रोडक्टिव कम्युनिटी एक बहुत ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो तब तक के स्टे हैप्पी टेक केयर जय हिंद